देश भर में अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज संभल में भी अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन असली के किसान जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सदर तहसील संभल पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जयवीर सिंह ने सरकार पर किसी भी क्षेत्र में रोजगार नहीं देने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा, तब क्या होगा। देखिए संभल से फैक्टम के लिए किंग अली अशरफी की ये रिपोर्ट। युवाओं के रोजगार के छीना है, जो अग्निपथ जो इन्होंने ये कानून बनाया है, इसमें युवाओं को जो रोजगार दिया जाएगा 4 साल निश्चित कर दिए गए हैं, वो बहुत ही गलत हैं। इससे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और युवाओं का रोजगार जा रहा है। अब 4 साल बाद वो युवा बेरोजगार हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा। आप क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, जो क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला।